सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysrg.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysrg.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने शायद सुना हो, राजा कभी सॉरी नहीं बोलता। राजा सॉरी क्यों नहीं बोलता? राजा का काम होता है उसके देश के लिए, उसके साम्राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए डिसीजंस लेना। उसे वो डिसीजंस लेने होते हैं जिससे केवल उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसके पूरे साम्राज्य में, उसके लोगों के जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उनका भविष्य कैसा होने वाला है वो तय होगा। राजा का एक गलत डिसीजन पूरे सब लोगों को जो उसके राज्य में रहते हैं, सब लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमारे देश में भी हम लोग ये देखते हैं कि जो टॉप पे बैठे पॉलिटिशियंस हैं, जिन लोगों को देश चलाना है, वो लोग जो डिसीजन लेते हैं उससे हमारी लाइफ कितनी अफेक्ट होती है। तो राजा का काम है बड़े बड़े डिसीजंस लेना। हम सब लोगों को एक व्यक्ति पे भरोसा करना पड़ता है जो बिल्कुल टॉप पे बैठा होता है, जिसको हम राजा बोल रहे हैं। वो डिसीजंस लेने वाला है क्योंकि डिसीजन लेने की अथॉरिटी हम सबने उसको दे के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हमें लगता है कि हमारे डिसीजन में कमी हो सकती है, हम वो जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं। किसी एक ने हिम्मत दिखाई है और वो जिम्मेदारी ले रहा है और हम सब उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर उसका डिसीजन गलत हुआ तो हम उसकी तरफ उंगली भी उठा सकते हैं। हम लेकिन डिसीजन खुद लेने के काबिल नहीं है, हम लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो अपनी हिम्मत से एक डिसीजन लेता है जो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। लेकिन अगर वो सॉरी बोल देगा ना, तो आपका भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा और आपका अगर विश्वास उसके ऊपर से उठ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा, फिर सब कुछ मिट जाएगा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे और सब देश तबाह हो जाएगा। राजा कभी सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैंने गलती करी है तो लोग ये मान लेंगे कि तुम राजा बनने के काबिल ही नहीं हो। मैंने जो बात बोली उसमें काफी गहराई है। आपके अपने अपने मत हो सकते हैं, सोच सकते हैं और इसको जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर बात वो कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप लोगों को अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी के राजा हो। आपकी जिंदगी से किसी और को फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के तो राजा हो। आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि आज आप जो हो, क्या आपके पास्ट में आपके कोई डिसीजंस थे जिस वजह से आप आज ऐसे हालात में हो, वो हालात अच्छे हो या बुरे हो। चलिए मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे कई सारे डिसीजंस का योगदान है। जैसे एक डिसीजन ये था कि जब मेरी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लगी थी, तो वहां पर मैंने जॉब हासिल करने के बाद उन्हें फोन करके बोला कि आई वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब। ये एक डिसीजन था, सही होगा कि गलत होगा ये उस दिन भी मुझे नहीं पता था। मुझे भरोसा था कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, मुझे भरोसा था कि मैं वो डिसीजन ले रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, और उस हालात में किसी और को समझाना तो ये लगभग नामुमकिन था कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं वो क्यों सही है। वो सही भी हो सकता था, वो गलत भी हो सकता था, वो तो इस बात पर डिपेंड करता कि आज मैं कहां हूं। लेकिन आज मैं जहां पर हूं वहां पर नहीं होता अगर उस समय ये डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे जॉब छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइफ इससे अच्छी होती कि बुरी होती, पर एक बात तो तय है कि जो लाइफ मैं अभी जी रहा हूं ये लाइफ ऐसी नहीं होती, कुछ और होती। इसी प्रकार से आपने 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया था, आपने 12th क्लास के बाद क्या करने के बारे में सोचा, क्या आपने अपने करियर को प्लान किया, क्या आपने कभी सोचा कि आपको लाइफ में क्या करना पसंद है। लाइफ में आप जिस मुकाम पे आज खड़े हो, कई बार आप बोलते हो
कि मैं IIT नहीं निकाल पाऊंगा, कई बार आप बोलते हो मैं टॉप कॉलेजेस में नहीं जा पाऊंगा, कई बार आप बोलते हो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, ये कहीं आपके पुराने किसी गलत डिसीजन का नतीजा तो नहीं है? लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि सबसे खराब डिसीजन होता है कोई डिसीजन नहीं लेना। कई बार हमें समय मिलता है लेकिन हम डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ समय को टाल देते हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और ग्रेजुएशन करते वक्त हमें कई बार लोग बोलते हैं कि करियर को प्लान कर लो, हम लोग नहीं करते, हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन पहले खत्म हो जाए, उसके बाद हम ड्रॉप लेंगे और IAS की तैयारी करेंगे, हम MBA की तैयारी करेंगे, हम MCA की तैयारी करेंगे, या हम जॉब की तैयारी करेंगे, या कुछ भी करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी का समय टाल देते हैं। हमने जब समय टाला है ना, तो एक्चुअल में हमने डिसीजन नहीं लिया है, और वो जो डिसीजन नहीं लिया है, जब डिसीजन लेने की जरूरत थी, डिसाइड करने की जरूरत थी कि अब हम क्या करें, वहां पर आपने अगर डिसीजन नहीं लिया है तो आपने एक्चुअल में एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जो सबसे खराब है, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी के आज हालात ये हैं जिसमें आप उलझे हुए हो। हो सकता है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक बात चुभती जा रही हो कि मेरा क्या होगा, मेरा करियर कैसा होगा। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस का नतीजा है। मेरा आज का इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको इस बात की इंपॉर्टेंस बताऊं कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप अपने जिंदगी के राजा हो, आप अपने आप से सॉरी नहीं बोल सकते, आपका सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी एक्सक्यूज दे दो, ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ भी एक्सक्यूज दे दो, लेकिन अल्टीमेटली जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी और जिंदगी में जो दिन आप देखते रहोगे वो आपके एक्सक्यूजेस की वजह से नहीं होंगे, वो आपके डिफेंस की वजह से नहीं होंगे, बल्कि जो भी डिसीजंस आपने पास्ट में ले लिए, अच्छे या बुरे, उसकी वजह से होंगे। इसलिए डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है, और फिर जब आप डिसीजन ले लो तो उसे जस्टिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो दुनिया को यह साबित भी करना है कि यह सही डिसीजन था। लोगों का भरोसा आप पे तभी होगा, तो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको मेरी बात समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगी हो बात तो शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना। कमेंट्स दीजिएगा, क्या समझ में आया, आपका क्या नजरिया है, आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों के कमेंट्स में बहुत गहराई देखी है, आप लोगों के कमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आती हैं, कई बार तो इतनी अच्छी बातें होती हैं कि मेरा अगला वीडियो उसी बात पर आधारित होता है। तो कुछ ऐसी बात लिखिए जिससे हम अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार बात करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।